अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आपने सुना ना दादी अम्मी ने क्या कहा, ना एक बीवी अपने शौहर को मजबूर कर सकती है और ना एक शौहर अपनी बीवी से जबरदस्ती कर सकता है। जिसे दिल के आसमां पे बिठाया हो अगर वो दूसरी औरत के कदमों में गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो मर्द गिरा हुआ था। बीवी की बेवकूफी थी जो उसे इतने ऊंचे मकाम पर बिठाया, मगर मैं वो बेवकूफ नहीं हूं। एक बेवफा शौहर का कोई हक नहीं है मुझ पे, ना मेरे दिल पे, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पे। वाह जी वाह, बड़ी दूरी पैदा की जा रही है। लेकिन ये दूरी तब कहाँ थी जब आप दोनों कमरे में अकेले एक दूसरे की बाहों में थे? अरे तब तो इनके दरमियान हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी, तब तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया दुआ जैसा तुम यहां पर बोल रही हो। तब तो सिर्फ हैदर नहीं, तुम भी हैदर से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे दीवार से छिपकली। वो तुम्हें नजर आ भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हें सिर्फ बुराई दिखाई देती है। जो कुछ तुमने अंदर देखा और देखने के बाद जो उस बात का बतंगड़ बनाया है, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि तुम राई का पहाड़ बनाना बखूबी जानती हो। तुमने तो वो भी देख लिया जो हुआ ही नहीं, मगर खैर तुम जो हो सो हो, मगर आज तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम वक्त पे आ गई मेरी दुश्मन। तुमने मुझे कमजोर पड़ने से बचा लिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर पर, उनकी खुशहाली पर, उनकी मायूसी पर, उनके दिल पर, उनके सुख पर, उनके दुख पर, उनके परिवार पर, उनके अकेलेपन पर, उनकी हर एक चीज पर अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ना मेरे दिल पर, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पर कसर का कोई हक है और ना ही कभी होगा। और रही बात तुम्हारी दुआ, तुम ही मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते, समझी? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ शायद भूल गई थी।
मैं चाहता हूं तुम मुझे चाहती और चाहत के ना दे। मुझे हक है तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे रूह पर और तुम्हारे जिस्म पर भी। कहना चाहते हैं कि एक दिल में दो लोग रह सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता और तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। दुआ ये बात मोहब्बत 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 बस कीजिए हैदर। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी, और एक शौहर अपनी बीवी से अपना हक मांग रहा है। शौहर होने का बड़ा गुरूर है ना आपको, तो ठीक है पूरी कर लीजिए अपनी आरजू, फिर चाहे मेरी मर्जी हो ना हो, मगर आपके गुरूर का सर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं तैयार हूं उस चिड़िया की तरह जिसके पंख और पर नोच लिए जाते हैं और वो हार मान के अपने शिकारी के आगे सर झुका के मरने के लिए तैयार होती है। ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।